नमस्कार, जे एन आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। बाराबंकी से बड़ी खबर, पुत्र वियोग में दर दर भटक रही वृद्ध महिला। घर से निकले 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुत्र का पता नहीं लगा। जैतपुर थाना में दिया शिकायती पत्र, पुत्र वियोग में है चिंतित। 36 घंटे से ग्रामीण व परिवारी जन, रिश्तेदारी, दोस्त, व्यवहारी नदी पोखरा में रहे हैं सूरज को ढूंढ। जैसा कि आपको बता दूं, जैतपुर थाना क्षेत्र की वृद्ध महिला रामपता स्वर्गीय पत्नी नवमी लाल निवासी तेजवापुर में थाना जैतपुर में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि मेरा पुत्र सूरज लाल सुबह घर से खाना खाकर 8 बजे भानमऊ बताकर निकला था। शाम देर रात पुत्र सूरज लाल के घर वापस न आने पर परिवारी जन व ग्रामीण काफी ढूंढने का प्रयास किया, परंतु मेरे पुत्र सूरज का कोई पता नहीं चला, जिसे ग्रामीण चिंतित हैं। आइए देखते हैं शेर बहादुर शेरा की खास रिपोर्ट, सच वही जो जे एन आई न्यूज दिखाए। हमारा नाम रामपता। कौन सी ग्राम पंचायत है? तेजवापुर। थाना क्या लगता है? जैतपुर। क्या मामला हुआ बताइए। अब हमारे लड़का भाग गया, सोते रहा, उठा लैटरीन गया, नहाया, छाटा, खाना खाया और भाग ली। नहीं तो क्यों भाग गया? अब हम कहा बताई, हम नहीं रहे, चले गए रे भाई। क्या नाम है उसका? सूरज। क्या वो छात्र भी था, पढ़ता भी था? पढ़े वढ़े कुछ नहीं। तो अब उसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ, एप्लीकेशन लगाया है। कहाँ पे दिया? थाने। क्या बोले वो? बताए हमारा लड़का खो गया।